Hi guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि I'm not in a good state. दो दिन से मेरे दांत में इतना ज़्यादा pain है जिसको मैं बता भी नहीं सकती and अभी भी बहुत ज़्यादा pain है. And आज मुझे realize हो गया Canada health care के system में students के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है. यही मैं इंडिया में होती अभी तक मैंने पूरा घर सर पर उठा लिया होता. मैंने इतने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया होता बट यहाँ पे मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है. सो गाइस, कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है. मैं बता भी नहीं सकती. अब मैं 10 बार सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको दिखाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं यहाँ के हेल्थ केयर में. और पता भी है तो मालूम है कि कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे. उतने में तो मेरी इंडिया की टिकट आ जाएगी, मैं इंडिया होके आ जाऊँगी. एंड लिटरली मैं इतने ज़्यादा पेन में हूँ. और आप लोग को मालूम होगा विजडम टूथ का पेन कितना ज़्यादा ख़राब होता है. जिसको हुआ होगा उनको मालूम ही होगा कि एक विजडम टूथ निकालने के लिए लोग इंडिया जाते हैं. तो 2 दिन से मुझे ये बहुत ज़्यादा पेन है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ, क्या कहाँ जाऊँ. एंड मुझे अगर मालूम भी हो मुझे जाना कहाँ है डॉक्टर के पास, क्योंकि ऑब्वियसली डेंटिस्ट होते हैं बट उनकी फ़ीस एज अ स्टूडेंट आप 10 बार सोचोगे यार कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, इससे अच्छा मैं एक बार की इंडिया की ट्रिप करके आ जाऊँ. एंड जब हम बीमार होते हैं तो हमें मालूम है कि घर की याद कितनी आती है. तो मेरा भी सेम सीन चल रहा है. उधर घर वाले भी टेंशन में है कि क्या हो गया है, क्या हो गया एकदम से. बट अभी मैं होम रेमेडीज कर करके ही मैं खुद को सही कर रही हूँ, लाइक नॉर्मल कर रही हूँ मेरे दांत को. और मेरे से अब तो ये स्टेज आ गया कि मैं अब कुछ भी इस साइड से खा ही नहीं पा रही. वो तो खा ही नहीं पा रही. और अब तो ऐसा लग रहा है कल तक ऐसा होगा कि मैं कुछ भी नहीं खा पाऊँगी, मेरे को लिक्विड पे रहना पड़ेगा. लिटरली मैं पानी पी रही हूँ तो भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. तो ये हो जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ जो लोग रियलाइज़ नहीं करते. हम ये रोते रहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, हमारा पैसा नहीं कमा रहे, बट एक ये हेल्थ केयर की प्रॉब्लम सब कुछ साइड पे कर देती है. एंड मुझे इतना बुरा फील हो रहा है कि यार हमने क्यों ये डिसीजन लिया, क्या नहीं था इंडिया में, क्यों ये डिसीजन लिया यहाँ आने का. आई नो बट यहाँ पे अब एक बात है कि कॉलेजेस से हमें वो मिल जाता है कवरेज, कॉलेज से आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी उसमें फ़ीस में हमें भी हेल्थ केयर मिला है, बट उसमें डेंटल इंक्लूडेड नहीं है. तो अब डेंटल के लिए हम कहाँ से, या तो डेंटल भी इंक्लूड करो. नॉर्मल अगर आपको सर्दी बुखार होगा तो आप जा सकते हो, बट ये मेजर चीज़ों के लिए हम कहाँ जाएंगे. एंड कुछ कुछ जॉब पे तो एम्प्लॉय बेनिफिट भी मिलता है, बट पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को क्या ही बेनिफिट देंगे. सो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत मन हुआ कि इस पे मेरे को बोलना है कि यार मैं फेस कर रही हूँ. एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फेस करते होंगे कि यार कुछ भी आपको हो आप कहाँ जाओगे, आप जो इंडिया से दवाइयाँ लेके आप वही खाओगे, या मम्मी घर के कोई रेमेडी बता दे वो आप कर लो, उससे ज़्यादा क्या. सो गाइज, अगर ये सब अगर आपको भी हो रहा है, दांत में प्रॉब्लम है पहले से इंडिया से, आपको पता है. और मेरे को भी सेम था, मेरे को इंडिया से पता था कि मुझे हो रहा है, बट जब मैंने वहाँ कंसल्ट किया था तो डॉक्टर ने बोला था तब मेरी बाहर नहीं आई थी विजडम टूथ, बट अब लाइक मुझे वो प्रॉब्लम दे रही है. तो तब डॉक्टर ने बोला था कि अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं निकलवाने की, 1 साल में आप आओगे तब आप निकलवा लेना, बट एकदम से बढ़ गई है मेरी प्रॉब्लम. सो अब मेरे को टेंशन हो रहा है कि मैं क्या इंडिया चली जाऊँ, एक बार जाके आऊँ, निकलवा के आऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. सो जो भी स्टूडेंट्स कनाडा आने वाले हैं, एक मेरी यही टिप है भाई, अपना मेडिकल का इंतज़ाम करवा के आना, यहाँ के भरोसे मत बैठना. और स्पेशली दांतों का चेकअप प्लीज़ मेक श्योर, नहीं तो मेरी जैसी हालत होगी. और आपको मालूम है ये दर्द पूरा यहाँ कनेक्टेड होता है, तो पूरा ये सब ना काम में मन लगता. मैं ना बोले बिना रह नहीं सकती, मैं 2 मिनट भी चुप नहीं रह सकती. बट 2 दिन से मैंने ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं पा रही ना, मेरे से हंसा जा रहा है अच्छे से. और हंसना तो मुझे इतना पसंद है बट मैं हंस भी नहीं पा रही हूँ.
सो आने वाले मेन टेक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी टिप है कि प्लीज़ अपना चेकअप पूरी ढंग से करा के आना, यहाँ के भरोसे मत बैठना, अपने कॉलेज के डेंटल हेल्थ केयर किसी के भरोसे मत बैठना, अपना तैयारी इंडिया से ही करके आना। मेरी ये बहुत बड़ी टिप है। जॉब आपको भले एक साल में एक बार मिल जाएगी, बट ये हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ हो गया और बॉडी को कुछ हो गया ना, तो कुछ नहीं है फिर। सो गाइज, यही है अपडेट मेरे बारे में, मेरी हेल्थ के बारे में। एंड थैंक यू सो मच, आई होप मेरी बात से आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना। और अगर कोई भी डेंटिस्ट है जो मेरा वीडियो देख रहा है और कनाडा में, प्लीज़ मेरी ट्रीटमेंट भी कर देना। सो मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। फॉर नाउ।